वेलकम टू अ चैनल सिविल इंसर्ट। तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग की, कौन से हमारे मेथड्स यूज होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग करने में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसर्ट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो इसके चार मेथड्स होते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग एंड रिसेक्शन। ये बिगिनर होता है, रेडिएशन बहुत ईजी होता है, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल आता है इंटरसेक्शन, फिर ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन सबसे ज्यादा आपका लगा लो कि एक प्रिसाइज होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है करने में। तो हम सारी चीजें आराम से पढ़ेंगे, बाकी आप फील्ड में तो आप जब भी आपके प्रैक्टिस कॉलेज में होंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो आज के लेक्चर में सिर्फ रेडिएशन करेंगे, तो देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। देखो इन दिस मेथड अ रे इज ड्रॉन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टूवर्ड्स द पॉइंट। The distance measured between the instrument station and that point, and the point is located by plotting to some scale the distance so measured. Evidently, this method is more suitable when the distances are small within tape length and one single instrument can control the points to be detailed. तो ये लगा लो यार, एक तरह की definition दी। देखो एक बार मैंने सारी definition पढ़ दी, अब इसको समझते मतलब क्या हुआ। अब देखो ये कहता है इस method में क्या होता है, हम ये सारी definition एक बार भूल जाते हैं। अब मैं कहता हूँ radiation में होता क्या है। देखो मैं कहता हूँ let ये A point है, ये B point, ये C एन ई डी, ठीक है। अब ये डी, ये चार पॉइंट्स पे ना आपकी एक फील्ड है, ऐसे ऐसे लगा लो आप, स्क्वायर लगा लो, रेक्टेंगल, जैसे भी आपकी मर्जी है, तो आपकी ऐसे फील्ड है, ठीक है। अब कहते हो यार ये प्लेन टेबल सर्वेइंग करनी है, मतलब ये पूरी फील्ड ऐसे है हमारी, रेक्टेंगल फील्ड हम कहते हैं इसको। अब हम कह रहे हैं कि यार एक शीट पे लेके आनी है, मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग ये ना एक A4 तो नहीं होती, एक नॉर्मल शीट होती है, उस पर आपको डालना है सारा, ताकि आप आगे फर्दर सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स आप उस पर यूज कर सके। तो देखो अब उसमें क्या होता है, देखो अब हमने कहा कि एक स्टेशन ले लिया, ठीक है। अब हमने ऐसे एक बड़ा, ये मैं जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूँ, एक टेबल है, ये टेबल सर्वेइंग का है। देखो रेज ड्रॉन था इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हम इसको कहते हैं, कहते हैं लेट टी पॉइंट पे हमने रख दिया, ये एक टी पॉइंट पे रख दिया, ये हमने डिस्टेंस नहीं चेक करेगी, ए बी सी डी से हम डिस्टेंस नहीं चेक करेंगे, कहीं पे भी रख देंगे बीच चाले, तो हमने ऐसे रख दिया। अब देखो हम कहते हैं कि ये टी है, अब हम कहते हैं कि शीट पे आ गया हम, ये पूरा टेबल था तो हम ये कहते हैं शीट है, ये शीट पर आ गया हम, प्लेन टेबल सर्वेइंग में यही होता है। तो कहते हैं हम ये पॉइंट टी पे हमने रखा था, स्मॉल टी बन गया, ये स्मॉल टी बन गया, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब स्टेशन लेके, ये हम स्टेशन लेके यहाँ पर खड़े हैं। अब हम कहते हैं कि यार क्या होता है, अब देखो हम कहते हैं कि यार ए पॉइंट, अब हमने ये सारा, ये हमने जो चार पॉइंट्स है वो हमने शीट पर लेके आने, अब कैसे होगा, देखो एलिडेट आपको पता ही क्या होता है, मैंने समझा रखा है पहले से। तो हमने यहाँ पे एलिडेट रखा, हमने साइड करा ए, ठीक है, हमने यहाँ पे साइड करा ए, और यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा दिया, ये हमारा स्मॉल ए हो गया, हमने साइड कर लिया। और डॉटेड लाइन से हम इसे दिखा देंगे कि यार ये डिस्टेंस जो आएगा ना वो ये यहाँ से लेके ए से लेके टी तक का ये पूरा डिस्टेंस होएगा, ए से लेके टी तक का डिस्टेंस ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आ गया, ऐसे ही आप देखो ट्विस्ट कर दोगे फिर बी की तरफ, ओरिएंट कर दोगे उसे बी की तरफ, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल बी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये आ गया, अब ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये सारा ऐसे डिस्टेंस आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर आप सी कर दोगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक बार आपको मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ कि रेडिएशन होता क्या है। तो अब आपने ऐसे सी पॉइंट भी कर लिया, और ऐसे सिमिलरली आपका डी पॉइंट भी आ जाएगा, इधर स्मॉल डी भी आ जाएगा, ऐसे आ गया, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, इस सारी लाइंस को अगर आप ज्वाइन कर दोगे ना, एक सुटेबल स्केल होता है, ये आपकी मर्जी है कि कैसे स्केल, और ये यूज होता है विद इन अ टेप लेंथ, तो छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ी फील्ड भी नहीं आप कर सकते। अब देखो ये अगर आप पूरा ए बी सी डी आप देखोगे ना, पूरा टेबल, मतलब ये पूरा जो आपका कोई भी पार्क है या फिर कुछ भी है, तो आप खड़े हो वहां से, ये जो सारा आप देख रहे थे वो सारा शीट पर आ गया, बस आपको यही तो करना होता है, यही प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है। आप इसको देखते हो या आप कुछ भी आप मेजर कर सकते हो, कोई भी डिस्टेंस वगैरह। अब कैसे कह दे कि यार अब ए से बी आप बार बार आप फील्ड में जाके थोड़ी करोगे, तो उसके लिए होता है कि आपके जेब में होगी आपकी सारी फील्ड, एक तरह की ये बात होती है बस, कि ए से बी। अब यूनिट्स कैसे ले सकते, जैसे समझो अगर इनके बीच में 50 मीटर है, इसके बीच में 100 है, अब इसके बीच में क्या है, तो 150 मीटर है डिस्टेंस, इसके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, लेट 200 है, तो अब ऐसे है, अब आप लिख सकते हो कि यार 50 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं आपके टीचर्स भी वैसे ही करवाएंगे, सबका अपना अपना होता है स्केल है। तो मैं कहता हूँ 50 मीटर इज 1 यूनिट, तो मैं लिख सकता हूँ ये 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 यूनिट्स। अब आपको पता चल जाएगा कि 1 यूनिट मतलब यहाँ पे 50 मीटर का डिस्टेंस, तो यहाँ से ए से बी आपका यहाँ पे 50 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, बस यही आपका पूरा रेडिएशन होता है, ठीक है। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी लिखना होता है, कैसे लिखना होता है हम सब करते हैं। तो देखो अब आगे, द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी टू लोकेट द पॉइंट्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टी, कैपिटल टी से, मतलब कि कैपिटल टी पे आपने ऐसे स्टेशन रखा है, अब यहाँ से आपको मेजर करने सारे पॉइंट्स, कौन से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये पूरा आपका एक प्लेन है, उसको आपको यहाँ पे शीट पे लाना है, ठीक है, ये हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग है। अब ये मैं आपको सारा अच्छे से यहाँ पे समझा चुका हूँ, बस अब आपको ये समझाना है कि कैसे आप एग्जाम में लिखोगे। बस अगर आपको आता है यार एक्सप्लेन द रेडिएशन मेथड विद प्रॉपर स्टेप्स, तो आप लिखोगे पहले डेफिनेशन, उसके बाद आप ये सारे स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। अब स्टेप्स देखो कैसे, सेट द टेबल एट ई, फर्स्ट स्टेप है ये, सेट द टेबल एट कैपिटल टी, तो यहाँ पे आपने कैपिटल टी पे आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, वहां पे आपने सेट कर दिया टेबल,
लेवल कर दिया, देखो लेवल इट एंड ट्रांसफर द पॉइंट ऑन टू द शीट बाई मीन्स ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, जो कैपिटल टी आपको पॉइंट था ना, आपको इसने प्लम्बिंग फॉर्क से, आपने पढ़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी मदद से आपने यहाँ पे स्मॉल टी आपने पॉइंट ऐसे कैप्चर कर लिया। ठीक है, आपने लगा लिया यहाँ पे बस, दस गेटिंग पॉइंट स्मॉल टी रिप्रेजेंटिंग कैपिटल टी। ठीक है, क्लैम्प द टेबल, अब टेबल को क्लैम्प कर लो, शीट से उतनी क्लैम्प हो जाती है जिससे अभी शीट वगैरह कुछ भी हिलेगा नहीं, आपके पॉइंट सारे सेट रहेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो कीप द एलिडेट टचिंग टी, स्मॉल टी आपके एलिडेट, एलिडेट आपको पता है मेजरिंग वो होता है पूरा ना, आपको पूरा क्रॉस हेयर से आपको मेजर करना होता है एंड साइड टू ए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, एलिडेट आपने ऐसे, जो एलिडेट आपको पता है ऐसे को होता है, ठीक है, एक तरफ थिन स्लिट होती है, ठीक है, दूसरी तरफ आपका क्रॉस हेयर होता है। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा ए, जब आपको ये ऐसे बड़ा कैपिटल ए पूरा यहाँ पे पॉइंट दिख गया ना, जहाँ पे आपको दिखा, जैसे अगर आप इसको मूव करते जा रहे हो, कभी इस तरफ हो रहा है कभी उस तरफ हो रहा है, ऐसे करते करते ए पॉइंट जब भी आपको दिखा वहीं पे आपने ऐसे स्मॉल ए लगा लेना पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ द रे अलॉन्ग द फिडिशियल एज ऑफ द एलिडेट, तो आपने ऐसे लाइन लगा देनी, कोई भी आप एक बार रैंडम लाइन लगा लो, कोई भी आपने ऐसे रैंडम लाइन लगा ली, फिडिशियल एज मतलब की जो आपकी ये होती है ना हमारी वर्किंग एज, जो हमारी होती है एलिडेट की एज, बस इसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे लाइन खींच दी वहां पे शीट पर, आपने ऐसे लाइन खींच दी। सिमिलरली साइड डिफरेंट पॉइंट बी सी डी ई एफ, ठीक है, जो भी आपके सारे बाकी पॉइंट्स है आपने वो भी मेजर कर लिया, ऐसे आपने देखो साइड यहाँ पे करा, ठीक है, अब एलिडेट को यहाँ पे आपने ओरियंट करके यहाँ पे इस तरफ कर दिया, अब यहाँ से आपने इसको साइड करा तो बी ले लिया, अब यहाँ से इसको सी ले लिया, फिर यहाँ पे आपने एलिडेट करा, यहाँ पे खड़े होके टी पे आप खड़े हो गए, ठीक है, टी सी आप सारे साइड करो, ये नहीं कि अगर आप बी पे ऐसे हो गए तो बी पे एलिडेट ले आए फिर सी कर दिया, ऐसा सारा खराब हो जाएगा, आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे रहना है, इसी पॉइंट से आप सारा ट्विस्ट करते जाओगे अपना एलिडेट और यहाँ से आप देखते रहोगे। ठीक है, देखो पिन मे बी इंसर्टेड एट स्मॉल टी एंड द एलिडेट मे बी केप्ट टचिंग द पिन व्हाइल सेटिंग द पॉइंट्स। अब कभी कभी हम कह रहे थे कि यार एलिडेट पॉइंट टी पे नहीं है, थोड़ा सा आगे कर दिया हमने, थोड़ा सा पीछे लगा दिया, ऐसे ना सारा ना वो एरर आ जाएगा इसमें, तो एरर के हम कहते हैं कि यार ना है, तो उसके लिए आपने एक पिन इंसर्ट कर दो, ताकि आपको जब भी एलिडेट आप ट्विस्ट करोगे, जैसे ए से आप बी मेजर करना है या फिर सी मेजर करना है, तो एलिडेट जब आप पिन पे लगे तो इसका मतलब हाँ भाई हमने पिछला भी ऐसे करा था, इसमें भी ऐसे करा, तो एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता, देखो लास्ट स्टेप हमारा मेजर टी ए टी बी टी सी टी डी टी ई एक्सेट्रा, ठीक है, इन द फील्ड एंड प्लॉट द डिस्टेंस टू सम स्केल अलोंग द कोरस्पॉन्डिंग रेज, दस गेटिंग ए बी सी डी ई। अब देखो, अब कहते हैं कि यार अब जो हम फील्ड में भी तो खड़े हैं ना, फील्ड में अब आपको ये पॉइंट्स लेने हैं, तो आपको पॉइंट्स लिए देखो टी ए, जैसे मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे, ये आपने ऐसे पॉइंट्स लिए तो वही यहाँ पे आप लिख दोगे, ये वही आपका देखो टी ए का आपने डिस्टेंस लिया, लेट टी ए का आपका 20 meters आया। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी स्केल लेते हुए, जैसे हमने यहाँ पे स्केल लिया था, ये स्केल ले सकता आप, कोई भी ले सकता आपकी मर्जी है, तो ऐसे स्केल लेते हुए आपने ये मेजर कर दिया, फिर यहाँ पे आपने क्या दिया टी बी मेजर कर दिया, टी सी टी डी टी ई टी एफ, ऐसे सारे आपने मेजर कर दिए, सबके डिस्टेंस आ जाएंगे, इन सबके डिस्टेंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे लेट समझो आपने लाइन ड्रॉ करी है, तब तो नहीं आपको पता ना कितना डिस्टेंस है, तो आप एक बार ऐसे कर दोगे लाइन, लेट ये आपने यहाँ तक कर दिया, इस पॉइंट तक कर दिया ए, जब आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा, ऐसे सारे ऐसे ऐसे आपने लेट बाहर लिए होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े बाहर लिए होते, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको कहते हैं कि यार आपको एक पूरा मैप ही तैयार करना है, मैप तैयार करना, तो आप सारे ज्वाइन कर दोगे, देखो ज्वाइन दीज इफ नीडेड, वैसे तो नीड होगी होगी, तो ए से ज्वाइन करा बी, बी से ज्वाइन करा सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए वापस। ठीक है, अब उसके बाद ये लाइंस की आपको कोई जरूरत नहीं है, इससे आपका ये पूरा प्लेन जो भी आप देख रहे थे बाहर को, जहां से आपने सारे पॉइंट्स लिए, अब वो पूरा प्लेन आपको पूरा इस शीट पर आ गया। ठीक है, अब मतलब कि जो भी आपका जैसे भी आपने सर्वे करना है, लेट की यार ये एरिया था, आपने इस पर बिल्डिंग बनाने कुछ भी है, तो आपके पास नक्शा आपकी जेब में आ गया। ऐसे हमारे नक्शे तैयार होते हैं, कोई भी आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको सर्वेइंग ही चलता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सर्वेइंग करके आपके सारे पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा रेडिएशन मेथड होता है बस। अब थोड़ा सा ये कि रेडिएशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आए इंटरसेक्शन आएंगे, तो उसमें होता है कि इंटरसेक्शन में क्या होगा वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी इतना नहीं समझाता, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। तो बस ये आपको पूरे रेडिएशन मेथड होता है, ये आप समझ गए ना अच्छे से, बस ये 3 points में आपका रेडिएशन होता है और बहुत ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट मेथड है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। इसके बाद आपके इंटरसेक्शन आ जाएगा, ट्रावर्सिंग और इंटरसेक्शन बहुत ही मुश्किल है पढ़ने में भी समझने में भी, लेकिन ये है कि एक बार आपको समझ आ जाए तो बहुत ईजी रहता है। ठीक है, ये था आज का पूरा लेक्चर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग का, सबसे पहला मेथड रेडिएशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।